डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इट इज़ टीचर सेंटर्ड अप्रोच हमारे पास दो स्कूल ऑफ थाट जो हैं वो बड़े कॉमन uh, भी हैं इम्पॉर्टेंट भी हैं जिसमें एक टीचर सेंटर्ड अप्रोचेज़ हैं और दूसरा है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोचेज़ तो टीचर सेंटर्ड अप्रोचेज़ में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का मतलब यह है कि इट इज़ डायरेक्टली कमिंग फ्राम द टीचर टू अर्स स्टूडेंट्स एंड टीचर इज गिविंग द ऑल इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन डिसीजनस अथॉरिटी एवरीथिंग इज़ इंजॉइंग टीचर एंड टीचर आलवेज यू नो मेक स्ट्रक्चर टीचिंग इन द क्लास इसमें कुछ एग्जांपल्स ये हैं कि वो क्या ऐसी एक्टिविटीज़ टीचर यूज़ कर सकता है जिससे वो अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करे स्टूडेंट्स के सामने तो उसमें अनाउंसमेंट्स हैं अनाउंसमेंट से मुराद ये है कि टीचर की एक अनाउंसमेंट आउट uh, होती है जिसके ऊपर लेक्चर की पूरी जो है एक फ्रेमवर्क दे दिया जाता है कि ये देखिए ये एक टॉपिक uh, है और उसके बारे में ये वाले मेन हमने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने हैं सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फिर थेरीज़ पढ़ेंगे फिर हम इसके बारे में जो है इसकी स्ट्रेंथ्स डिस्कस करेंगे फिर हम इसकी लिमिटेशन डिस्कस करेंगे यानी अनाउंसमेंट ऑफ लेक्चर की बात है उसको हम आउटलाइनिंग के साथ जो है बच्चों तक पहुँचाते हैं और उसके बाद मॉड्यूल और यूनिट इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्शन है हम एक पूरी मॉड्यूल की जो है इंफॉर्मेशन उसको हेडिंग और सब हेडिंग्स के साथ भी इसको इंट्रोड्यूस करा सकता है ये टीचर ने पूरी एक स्ट्रक्चर्ड जो है अप्रोच के साथ डिसिप्लिन के साथ उसको तैयार किया होता है फिर इसमें डिस्क्रिप्शन और मॉडलिंग ऑफ असाइनमेंट्स एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं उसको भी टीचर ने डिज़ाइन किया है कि ये कॉन्सेप्ट होगा इससे ये रिलेटेड जो है एक्टिविटी होगी ये इससे रिलेटेड असाइनमेंट्स होंगी और उसके बाद फिर रिटर्न और वीडियो लेक्चर्स ये इंफॉर्मेशन देने के बाद रिटर्न असाइनमेंट्स होंगी या उसको कुछ रिटर्न मटेरियल भी साथ पढ़ने के लिए दिया जाएगा हर कॉन्सेप्ट के साथ एक चैप्टर जो है किसी बुक का वो मेंशन किया जाता है कि ये चैप्टर या ये जो वीडियो लिंक है या ये जो इंटरनेट मटेरियल है ये बच्चे को पढ़ना पड़ेगा उसके बाद डेमोस्ट्रेशन वीडियोस हैं वीडियोस मुख्तफ दिखाई जाती हैं जिसमें बताया जाता है कि इस कॉन्सेप्ट के बारे में मुख्तिफ़ चैनल से मुख्तु थेरिस्ट ने इसकी क्या एक्सप्लेनेशन दी है इस तरह भी इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है लेसन को उसके बाद प्रेजेंटेशन हैं कि मुख्तफ बच्चों से प्रजेंटेशन ली जाएँ मुख्तलि कॉन्सेप्ट के ऊपर टीचर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दे उसके बाद उसकी जो सब हेडिंग्स हैं वो स्टूडेंट्स में डिवाइड कर दे कि इसके ऊपर आप प्रजेंटेशन दें या कुछ एक्सपर्ट्स को बुला के भी उस टॉपिक के बारे में प्रजेंटेशन जो है वो दी जा सकती हैं और डिस्कशंस मॉडरेटेड बाय इंस्ट्रक्टर्स डिस्कशन का टॉपिक भी टीचर सेलेक्ट करता है और वो क्लास में आके उसको अनाउंस करता है और स्टूडेंट्स को कहता है कि इसके दो ग्रुप्स बना लें एक इसकी फेवर में बात करें एक इसकी अपोजिशन में इस तरह करके भी वो डिस्कशंस जो है वो क्लास के अंदर जो है वो रन कर सकता है और इंटरएक्टिव ट्यूटोरियल्स भी हो सकते हैं कि स्टूडेंट और टीचर जो है उसका कोई रोल मॉडलिंग जैसे है कोई कॉन्सेप्ट है तो उसके ऊपर एक मजाक कराने के लिए डिस्कशन कराने के लिए स्टूडेंट्स को लाइव उसमें पार्टिसिपेट कराया जा सकता है